नमस्कार, टुडे एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 की सूची है वो आज खेल मंत्रालय ने जारी कर दी है। और आपको बता दें कि देश में पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 खिलाड़ियों को नवाजा जाएगा, जिसमें से राष्ट्रमंडल खेलों की चैंपियन मनिका बत्रा टेबल टेनिस की पहली खिलाड़ी हैं, जिन्हें देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा जाएगा। मनिका बत्रा के अलावा भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा खेल पुरस्कार यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले भारत के चौथे क्रिकेटर बन जाएंगे। रोहित शर्मा से पहले सचिन तेंदुलकर, जिन्हें साल 1998 में खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, जबकि साल 2007 में महेंद्र सिंह धोनी को और साल 2018 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को यह सम्मान मिल चुका है। और जबकि साल 2020 के लिए मनिका बत्रा और रोहित शर्मा के अलावा एशियन खेलों की चैंपियन पहलवान विनेश फोगाट और रियो पैरा ओलंपिक स्वर्ण विजेता मरियप्पन थेंगुवेला और पांचवा नाम है वो हॉकी की खिलाड़ी रानी रामपाल का नाम है, जिन्हें साल 2020 में देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत है वो साल 1992 में हुई थी और यह पुरस्कार हर साल हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस यानी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आपके हिसाब से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में किन्हें दिया जाना चाहिए वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और 2020 के लिए भारत रत्न पुरस्कार आप महेंद्र सिंह धोनी को दिलाना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जो महेंद्र सिंह धोनी को भारत रत्न पुरस्कार के लिए कैपेबल मानते हैं वो लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।